अब बात अमृतसर की, जहां एकता सर्विस प्रोवाइडर यूनियन की ओर से केंद्रीय हलके के विधायक ओम प्रकाश सोनी को मांग पत्र दिया गया, जिसमें अमृतसर कॉरपोरेशन में 3 साल ठेकेदारी सिस्टम में काम कर रहे लोगों को पक्का करने के बारे में लिखा गया था। पिछली सरकार के कैबिनेट मंत्री ने 5 दिसंबर 2016 को पूरे पंजाब में 27,000 लोगों को पक्का करने का ऐलान किया गया था। वहीं बता दें कि अब उस मांग ने जोर पकड़ लिया है और ओम प्रकाश सोनी ने जल्द ही समस्या का हल निकालने के लिए भरोसा दिया है। ओम प्रकाश सोनी जी ने उन्होंने ग्रह विखे मिले हैं और असी उन्होंने अपना मंग पत्र दिता, जिदे विच असी मंग कीती है कि जिहड़े लोग ठेकेदारी सिस्टम दे विच नगर निगम अमृतसर दे विच बतौर 3 साल तो सफाई सेवादार दे तौर ते काम कर रहे सन, उन्होंने ठेकेदारी सिस्टम जिहड़ा पंजाब सरकार वालों बंद किया गया, ये लोग जिहड़े आ सारे बेरोज़गार हो गए हैं और जिदे करके जिहड़े लोग जिहड़े ने असी मंग करते हैं कि इन्हां लोकां नूं ठेकेदारी सिस्टम बंद करन तों पहलां इन्हों नगर निगम के बतौर एडजस्ट किया जाना चाहिए ही, पक्के किया जाना चाहिए है। सफाई यूनियन वाले सारे आए थे, इन्हें मंग पत्र दिता अपना, क्योंकि पहले 3 साल तो इतने काम कर रहे हैं कारपोरेशन से, हूँ इन्हों की डिमांड है भी सानू भी पक्या किया जाए। सो मैं इन्होंने कहा मैं गल करूँगा जेडे लोकल बॉडी मिनिस्टर उन्होंने गल करके अभी यहाँ कोई ना कोई हल क्या। देखो जी चीज़ का नोटिफिकेशन जारी हो जाता ना, वो तो फिर लागू हो जाता है। सो जो नोटिफिकेशन जारी होया देख लेंगे, कापी इन्हें नाल लाई नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।